हेलो नमस्ते, की हालचाल भाइयों। वेलकम टू द अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम चलाने वाले गाइज यूसुफ AF जेड बस, जो कि देख सकते हो काफ़ी रॉयल ब्लू कलर में काफ़ी गजब की दिख रही है। और फिलहाल भाई हम फंस चुके हैं ट्रैफिक में, तो सामने एक ट्रैवल का, पीछे भी देखो पीछे काफ़ी सारा ट्रैफिक जमा हो चुका है। सामने भाई दो ट्रैवल की एक साथ टक्कर हुई है, तो भाई जिसमें अपनी अपने ट्रैवल भी थोड़ी सी उनके साथ में भिड़ गई, तो भाई तो अपनी ट्रैवल भी काफ़ी सारा डैमेज पड़ा है अपने ट्रैवल को। काफ़ी भयानक एक्सीडेंट हुआ भाई, दो ट्रैवल एक दूसरे को जाके भिड़ गई, जिसमें अपना भी ब्रेक नहीं लगने के चक्कर में अपने ट्रैवल भी सही उसके साथ में जाके पीछे बैकग्राउंड में जाके फंस चुकी है, जो कि डैमेज हो चुकी है। देखो भाई ठीक, उसके हेडलाइट देखो कैसे पूरे चकनाचूर के, पूरे हेडलाइट की तरफ से देखो भाई साहब, ये देखो काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ा यार। ये तो अच्छा हो कि अपने सही टाइम पर ब्रेक लगाने, तो भाई अपना भी ट्रैवल का सामने का पूरा पता नहीं कितना डैमेज पड़ता, लेकिन हालांकि थोड़ा ज़्यादा डैमेज ही है इसको, क्योंकि नई नई जस्ट हमने लाई थी इसको, नई नई परचेज की थी, और अभी इसका एक्सीडेंट हो गया भाई। ये देखो ये दो जो ट्रैवल दिख रहे हैं दोनों के बीच में टक्कर हुई है भाई, इसको पीछे, ये पीछे के ट्रैवल वालों ने सामने के ट्रैवल को ठोक दिया भाई साहब। ये सामने की जो ट्रैवल है ना भाई, इससे ये टर्न कटा नहीं जा रहा था भाई, इसलिए स्लो स्लो में चला रहा था, लेकिन पीछे का ट्रैवल वाला हैवी बहुत ज़्यादा स्पीड में था, तो डायरेक्ट जाके ठोक दिया भाई साहब। और अचानक से ब्रेक लगने के चक्कर में हमको भी समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। हमने ब्रेक मारा, लेकिन भाई अपने ट्रैवल की बस की लगी नहीं, बस लगी नहीं भाई, ब्रेक लगी नहीं है, तो भाई जाके डायरेक्ट भिड़ गई वो दूसरे ट्रैवल के बैक 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 में भाई साहब। बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ा है यार, देखो कितनी ख़राब दिख रही भाई साहब सामने से। एक साइड का तो हेडलाइट ही टूट गया भाई साहब, वो तो उसको रिपेयर भी करना पड़ेगा भाई, फालतू का खर्चा बढ़ गया भाई साहब। कोई नहीं गाइस, ये तो दुरुस्त रिपेयर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई वहाँ पे तो बेफजूली भाई लेना ना देना ना, फालतू का ही खर्चे बने पड़ गए भाई सब, क्या ही बोले। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये छोटी मोटी दिक्कत तो आती रही है। देखो भाई इसका कैबिन देखो, काफ़ी शानदार लग्जरी कैबिन है भाई इसका भी। यहाँ पे फिर से ये ट्रैवल क्यों रुकी है भाई, यहाँ पे और एक एक्सीडेंट हुआ है भाई साहब। कितने एक्सीडेंट मिलेंगे भाई इस रोड के ऊपर भाई साहब, क्या ही बोले। क्या मैप है भाई, सामने मुझे कुछ दिख तो नहीं, लेकिन ट्रैवल ये खड़ी क्यों हुई है यहाँ पे, फिर बीच रास्ते में खड़े करके चले जाते यार भाई साहब, बताओ निकलेंगे कहाँ से। ये देखो हालांकि साइड में खड़ा है, बोलना अपनी साइड में नहीं है, ट्रैफिक तो जाम है भाई यहाँ पे। ये देखो ये ट्रक भी है दिखा भाई, भाई ट्रक ने जगह छोड़ी नहीं है, बस गाड़ी लगना चाहिए ठीक है, थोड़ा सा टच हुआ कहीं तो भी चलो कोई दिक्कत नहीं। हालांकि अपने फर्स्ट स्टार्टिंग में अपने साथ बहुत बड़ा कांड हो चुका है, तो अभी इधर क्या ही होगा, तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, कुछ फर्क तो पड़ने वाला ही नहीं। अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक करो यार, आप लोग यार वीडियो देख रहे हो लेकिन लाइक नहीं कर रहे हो भाई साहब, सारे के सारे लाइक करो यार, चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं करो, प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी कर लिया करो, हर वीडियो में बोलता हूँ लेकिन यार आप करते ही नहीं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, लाइक नहीं कर रहे, प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो, काफ़ी मेहनत करते यार, प्लीज़ लाइक कर लिया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो सभी से भाई, लाइक नहीं किया तो लाइक करो सब्सक्राइब कर दो। थोड़ा सा लैग हो रहा है, थोड़ा थोड़ा लैग हो रहा है गेम, पता नहीं क्यों, अपना सा मोबाइल थोड़ा अच्छा खासा गर्म हो चुका है, लेकिन भाई लैग भी बहुत हो रहा है भाई। ये देखो अभी जो यहाँ पे थोड़ा लैग, मुझे लगा कि थोड़ा लैग हो गया गेम, फिर थोड़ा लटक रहा था भाई यहाँ पे, पता नहीं यार जैसे जैसे गेम को खेल रहा हूँ मैं, जैसे जैसे मैंने इसको मिशन कंप्लीट किया, अभी तक के 250 मिशन हमने कंप्लीट किए इसके अंदर, और अभी भी और काफ़ी सारे मिशन बचे हैं जो कि हम कंप्लीट कर रहे खेलते खेलते हो जाएंगे सारे कंप्लीट। लेकिन भाई मुझे पहले अभी जब तक 100 लेवल तक मैं गया था तब तक कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे मैं लेवल कंप्लीट कर रहा हूँ वैसे वैसे इसमें प्रॉब्लम आ रही थोड़ी थोड़ी, जैसे कि अभी अभी देखा आपने लैग हो रहा था, लैग के भी काफ़ी दिक्कत आ रही उसमें, फिर कोई भी व्हीकल अगर ले रहे तो कोई व्हीकल चल ही नहीं पा रही इस गेम के अंदर, मैप में भी नहीं चल रहे, कभी कभी मैप भी गलत मिल जाता अपने को भाई, काफ़ी ज़्यादा अपन। ये देखो हेडलाइट है सामने की काफ़ी ख़राब हो चुकी भाई, हालांकि ब्लिंक करके देख रहे हैं हम, लेकिन कुछ हो नहीं रहा भाई सब, पूरा चेंज ही करना पड़ेगा सामने का, लगता है पूरा सिस्टम ख़त्म हो चुका है वो, देखना पड़ेगा उसको कुछ ना कुछ होगा। तो फिलहाल ये मिशन को कंप्लीट कर लो, तो बाद में फिर इस पे ट्रैवल पे काम करेंगे, थोड़ा जितना भी नुकसान हो ना भाई सब रिपेयर कर देंगे, सब एकदम
पहले जैसे बना देंगे अपने ट्रैवल को। फिलहाल तो ये मिशन कम्प्लीट कर लेता हूँ मैं। और मिशन भी कहाँ मिला यार, पूरा जंगलों में पहाड़ी के इलाके में कैसे कैसे रोड है भाई साहब, आड़े टेढ़े भाई, और इस पर चलने को भी भाई सब ज़्यादा स्पीड से चला भी नहीं सकते भाई, और कंप्लीट भी जल्दी करना है तो टाइम भी दिया है इसमें, 30 मिनट का टाइम है। हालांकि आधा घंटा बहुत ज़्यादा टाइम होता अपने लिए, तो 15 मिनट में गेम ख़त्म कर लेते। लेकिन भाई ऐसे अगर ट्रैफिक जाम मिलेगा भाई साहब रोड के ऊपर तो फिर तो मुश्किल ही है भाई, फिर तो टाइम ही लग जाएगा गेम कंप्लीट करने के लिए। कोशिश करते गए जब कि ऐसे रोड रहा तो कहाँ स्पीड बढ़ा सकते भाई साहब, कोशिश भी करेंगे स्पीड बढ़ाने की। लेकिन ये देखो डर लगता है यार, इधर उधर चलना चाहे फालतू, फिर स्टार्ट हो जाएगा यार जहाँ से। एक तो इसमें प्रॉब्लम क्या है गेम में, अगर गलती से अपने साथ में कुछ एक्सीडेंट हो गया भाई, या फिर अपनी गाड़ी कूद के डायरेक्ट खाई में नीचे गिर गई, तो भाई जहाँ से गिरी वहाँ से चालू नहीं होता गेम। ये डायरेक्ट पहले फर्स्ट स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा गेम जहाँ से हमने शुरू किया था गेम को। इसलिए भाई साहब रिक्स ले नहीं सकता हूँ मैं, इसलिए रिक्स लेने को पड़ता नहीं है गेम के अंदर, दिक्कत यही है। स्टार्ट होके भाई सीधा वैसे शुरू हो जाएगा जहाँ से गेम चालू हुआ था भाई साहब। ऐसा नहीं कि भाई साहब जहाँ से हमने ठुकाई थी वहीं पे, अरे नहीं, ये देखो भाई, ये इसके चक्कर में मैं बोल रहा था कि स्पीड बढ़ने पे चलता नहीं और थोड़ा डैमेज पड़ गया भाई। अब कहाँ पे लगी फिर से भाई, वही वहीं पे जहाँ पे पहले ठुकाई थी वहीं पे अपने को जाके थोड़ा सा कैबिन जाके चिपक गया भाई साहब। वो पोल में टकराया शायद, लगा तो मुझे वैसे ही पोल में जाके टकराया, और पीछे ट्रक का पता नहीं क्या हालत होगी ट्रक की, या फिर अभी अपने को धक्का लगा तो मुझे लगता है पीछे के ट्रक वाले ने अपने को लौटा है। लेकिन पीछे से तो कुछ डैमेज पड़ा नहीं है। देखो ड्राइवर अभी ये देखो, ऐसा अगर ट्रैफिक जाम रहेगा भाई तो कहाँ से निकलेंगे इंसान बताओ। ये देखो एक दो ड्राइवर वालों ने पता नहीं क्या करके रखा है। अब इन ड्राइवर वालों के साथ में भी शायद कुछ गलत हुआ, ये देखो इनके साथ में भी एक्सीडेंट कुछ तो हुआ है भाई। देखो पूरा रास्ते भी ब्लॉक है, एक दो ट्रैवल दिख रहे और ट्रक भी है पीछे। देखिए यार यहाँ से निकलने की कोशिश करते, लेकिन डैमेज तो पड़ेगा क्योंकि इनको साइड में करना पड़ेगा, रोड तो ब्लॉक करके रखा है इन्होंने, अपने को क्लियर करना पड़ेगा, तो थोड़ा थोड़ा डैमेज तो खाना ही पड़ेगा भाई साहब। वैसे भी अपने को गैरेज में वैसे भी जाना ही है ट्रैवल के लिए, वैसे भी इसको थोड़ा सा अपने को चेंज करना है तो थोड़ा सा और डैमेज अगर पड़ जाएगा तो कहीं फर्क पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तब तक लाइक करो या चैनल को सब्सक्राइब करो अगर किया नहीं होगा तो, हम तब तक यहाँ से निकाल लेते, निकल तो जाएंगे मुझे लगता है। भाई चलो चलो चलो, ये ट्रक वाला को देखो भाई, ट्रक वाला एकदम नीचे उतर गया भाई साहब रोड के एकदम बाहर भाई, यार फंस गया लगता है, मुझे लगता है फंस गया भाई। नहीं नहीं ट्रैवलर, ये ट्रैवलर ने अच्छी बात कर दी, अपनी जगह छोड़ दी, थोड़ा सामने चले गया भाई, अच्छा हो गया। हालांकि उसको भी जगह हमने करके रखी यार, और निकल जाने को नहीं अभी तक। चलो भाई फाइनल निकल तो गया ट्रक, लेकिन भाई थोड़ा सा निकल रहा भाई। चलो यार चलो, निकल गए भाई अपने ट्रैवल भाई सब। देखो कितना दो तीन गाड़ियों ने पूरा रास्ता ब्लॉक करके रख दिया भाई, वो भी ऐसा टर्निंग जगहों पे रास्ता ब्लॉक करके रखते ना भाई कि पूछो मत। देखो और थोड़ा सा डैमेज बढ़ गया भाई, ये साइड का पूरा फट, ये देखो सामने के पूरा सा डैमेज खत्म हो गया है, पूरा चपक गया, अंदर चले गया भाई, वो तो पूरा चेंज करना पड़ेगा ना भाई, वो एक कुछ उसका कुछ इलाज ही नहीं है, डायरेक्ट चेंज ही करना पड़ेगा उसका, कुछ हो ही नहीं सकता। पता नहीं अब जैसे ही गैरेज में लेके जाऊंगा तो वहाँ पे अभी पता नहीं वो क्या बोलते, अगर उसको रिपेयर करके होते होगा तो अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन और ये भाई सारे गाड़ियों को क्या ही दिक्कत है, टर्निंग मोड के ऊपर ही क्यों रुक जाते, समझ में ही नहीं आता है तो मुझे। इसको भी टर्निंग मोड के ऊपर ही रुकना था जहाँ पे हम आ रहे भाई, क्या ही बोले। गलत चीन हो रही यार, बहुत गलत चीन हो रही। हालांकि 250वां गेम मोड है भाई साहब अपना, ये 250 गेम हमने खेल चुके हैं, और ये 250वां गेम है, सॉरी मिशन है, जो कि हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। और हर एक मिशन के अंदर अपने साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, और इस मिशन में भी अपनी गाड़ी ठोक चुके हैं, और हमने 250 बार भी गाड़ी को ठोक के लिख गया है मिशन। एक भी मोड़ नहीं है जिसमें हमने इसको, हमने जो भी हमने व्हीकल चलाए, ट्रक चलाए, हमने बड़े बड़े ले लैंड चलाए, कि जी एक भी गाड़ी को हमने सही सलामत पहुँचाया अपनी डेस्टिनी पे, जहाँ भी मिशन मिलता था उस मिशन को। और ये
बात ही कर रहा था भाई अपने कर्म कांड की। तो ये देखो और एक हो गया अपने साथ दुर्घटना, और एक हो गई भाई कार वाले की, तो पूरा गाड़ी पलट डाली अपनी पूरी उसका भाई साहब। ये देखो ओवर स्पीडिंग के चक्कर में ही एक दिक्कत है यार, जहाँ पे ब्लैंक स्पॉट आता भाई वहाँ पे तो ओवर स्पीडिंग करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन हमने कर ली। ये हालत हो गई अपनी, अरे कुछ बुझा के भेड़ आती है। चलो कोई नहीं, ये तो हर बात की हर रोज की बात है, ऐसा बोल भी सकते हैं हम, क्योंकि हर गेम के अंदर हर मिशन में हर मोड के अंदर हम कुछ ऐसे कुछ करते आए हैं, तो ये तो अपनी तो नई बात नहीं है। आप लाइक करो यार, लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार सभी के सभी लाइक करो। अरे भाई अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरी गलती नहीं है, सही बताओ तो मैं बोल रहा हूँ, आप रिवाइंड करके देख सकते हो वीडियो को, ये मेरी गलती नहीं है। ये जो वैन वाली है ना भाई, बॉटल ग्रीन कलर की वैन है भाई, ये खुद आके मेरे ड्राइवर को टक्कर मारी थी, मैं अपने साइड में था भाई, यहाँ पे मेरी गलती नहीं है। हालांकि अभी तक जितने भी एक्सीडेंट हुए इससे सबसे पहले एक्सीडेंट मेरे, उसमें भी मेरी गलती नहीं थी और इसमें भी मेरी गलती नहीं थी भाई साहब। बाकी दो जगह पे एक्सीडेंट हुआ और ट्रक अलग ठोका, वो मेरी गलती थी। उसके पहले वो जो ट्रैफिक जाम था वहाँ पे भी मेरी गलती नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक जाम थी इसलिए मैंने उसको टक्कर मार मार के साइड में किया था भाई। ये मेरी गलती नहीं है भाई साहब, ये तो इनका काम था, ये इन्होंने हटना था साइड में भाई साहब। हॉर्न बजाते हुए आ रहे यार, ऐसा भी नहीं कि साइलेंटली पीछे से घुस रहे, ऐसा कुछ नहीं, साइड ही नहीं दे रहे, तो भाई इनको लिए रुकना थोड़ी है, अपने को भी जाना ही है भाई। ये रास्ता ब्लॉक करके रुक जाएंगे तो भाई इनके लिए कौन रुकने वाला है। अभी यहाँ पे आए मुझे, क्योंकि यहाँ पे अपनी मोट नहीं है, तो सीधा भगाते हुए चलेंगे भाई, और ध्यान रखना पड़ेगा भाई, नहीं तो और एक बार एक्सीडेंट ना हो जाए, क्योंकि हम नज़दीक पहुँच रहे अपने लोकेशन के। भाई 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 टर्निंग टर्निंग टर्निंग, अभी यहाँ पे थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया था मेरा, लेकिन हमने संभाल लिया भाई। नहीं नहीं नहीं, अरे बच गया बच गया बच गया, ट्रैवल के ओवरटेक करना है भाई इसको, इसके सामने जाना है ट्रैवल के, लेकिन सामने से कोई आना जाए बस, निकलेंगे भाई निकलेंगे, आगे निकलेंगे इसके, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे लगता है, क्योंकि सामने से गाड़ी आ रही। सामने से और कोई अभी कोई है तो नहीं, चलो अभी ये अच्छा ही टाइम लग रहा है मुझे इसको ओवरटेक करने का, ये सही मौका है, चलो निकालते अभी भगाते इसको ऐसे। अरे यार भाई सामने से और कोई गाड़ी आ गई, ट्रक आ गया शायद। अरे यार क्या दिक्कत है यार, इनको ओवरटेक करना है इनको, और यहाँ पे एक ही ट्रैफिक कम ही नहीं हो रहा भाई सब। अब ये सारे के सारे गाड़ी जाके वहाँ पे जाके रुकेंगे, जहाँ पे अभी अभी हमने एक कार वाले को ठोका था बस, क्योंकि कार वाला बीच रास्ते में आके खड़ा हो गया होगा मुझे लगता है, मुझे 100% मालूम है, कार वाले को बीच रास्ते में आके ब्लॉक करके रुक जाएंगे वो देखना, क्योंकि अपने को इसी रास्ते से रिटर्न भी जाना है, क्योंकि इसके आगे कोई रोड नहीं है, जहाँ पे हम जा रहे हैं उसके आगे कुछ रोड नहीं है, उसको अपने को रिटर्न ही आना है, अपने को दिखेंगे आपको दिखाऊंगा भी मैं, वो कार वाला वहीं पर खड़ा होगा जहाँ पे अपने उसको ठोकर मारी थी 100%। लिख के ले लो तुम, ये आ गया अपने लोकेशन भाई, यहाँ पे रुकना है अपने को, और इसके आगे रोड ही नहीं है, क्योंकि इसके आगे और एक स्कूल आएगा, वहाँ से भी रिटर्न लेना पड़ता है अपने को, यही स्कूल में आना था जो हम आ चुके हैं भाई। यहाँ से अब घूम के चल जाएंगे हम, अब यहाँ पे फिर से घूम के जाना पड़ेगा जहाँ से हम फिलहाल अभी आए, वहीं वापस रिटर्न जाके बस पे जाके पार्किंग का लगाना है बस। बहुत सिंपल सा मिशन आते हैं इसके अंदर, सिर्फ इसमें अंदर दिक्कत क्या है, रोड का ही दिक्कत है, कोई ऑफ रोडिंग आती है कभी कभी अच्छे रोड, हालांकि ये अच्छा घाट वाला रास्ता था, टर्निंग मोड ज़्यादा थी इसके अंदर, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था भाई साहब, ऐसी सिचुएशन में ऐसी अगर गाड़ी रह जाएंगी तो दिक्कत ही नहीं आती भाई साहब, लग्जरी गाड़ियों मिल जाएँ तो मज़ा ही आता चलाने में, अलग ही लेवल का सुकून मिलता भाई साहब। देखो काफ़ी शानदार है, सिर्फ इसके सामने का फ्रंट हमने ओके गाड़ियों को टक्कर मार मार के ख़राब कर दिया, जो कि हम ठीक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो अपने ट्रैवल भाई ज़बरदस्त रॉयल ब्लू कलर में, देखो यूसुफ AF ZBUS। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको उम्मीद है यार वीडियो गेम प्ले आपको पसंद आया होगा, ऐसे ही गेम प्ले के लिए
प्लीज़ यार लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर नहीं किया हूँ तो प्लीज़ यार सभी के सभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।